ये मैं डीप फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में सभी को डीप फ्राई फिश पसंद है। अगर आप लोग लाइट फ्राई करना चाहते हैं तो आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। ये आधी मच्छी मैंने इधर रखी है, जब ये फ्राई हो जाएगी तब मैं इसे भी डालकर फ्राई करूँगी। और इधर मेरे राइस रेडी हो रही है। और ये मेरा छोटा सा किचन आप लोग देख ही सकते हैं। जब तक वहाँ फिश रेडी फ्राई हो रहा है तब तक मैं यहाँ आपको मछली के मसाले बता दूँ। आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच गुड़ लंका, एक चम्मच धनिया, डेढ़ चम्मच धनिया, डेढ़ चम्मच जीरा, डेढ़ चम्मच तीन चम्मच राई के दाने और नमक स्वाद अनुसार। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें। मैंने सारे मसाले इसमें डाल रखे हैं और मैं ये लहसुन के दाने इसमें डाल के इसका पेस्ट बना लूंगी। अब मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लूंगी। तो ये देखिए गाइस, मैंने जो मसाले डाले थे उसका मैंने पेस्ट बना लिया। जब मच्छी पूरी फ्राई हो जाए तो हम आलू डालेंगे। आलू फ्राई होने के बाद ये मसाले उसमें डाल रहा हूँ। मैं आपको आस्ते आस्ते बताती हूँ। आप इसमें हम लोग टमाटर भी काट के डालेंगे। मेरे पास छोटे छोटे दो टमाटर थे इसलिए मैंने दो डाला। अगर आपके पास बड़े एक टमाटर है तो सिर्फ बड़ा एक टमाटर ही डालें। मेरे पास छोटे छोटे थे इसलिए मैंने एक डाला। ये मैंने तीन आलू के दो स्लाइसेस कर दिए हैं। ठीक है, जब मेरे मच्छी फ्राई हो जाएगा तब मैं ये आलू को फ्राई करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी मच्छी फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें आलू डालूंगी।